वाह बेटा, कितना बढ़िया लग रहा है तुम्हारा रेत का घर, लेकिन चिंकी का घर एकदम बेकार लग रहा है। ए लवा मावा चावा पावा, मेरा घर तुम्हारे बेटे के घर से ज्यादा अच्छा है, समझे? तुम्हारा घर एकदम बेकार है, मेरे बेटे पुक्की का घर देखो कितना बड़ा है, कितना अच्छा लग रहा है। ए लवा गॉड, अभी तुम्हारे पुक्की के घर को दुखी बना देंगे, समझे? ए चिंकी, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो, अभी ज्यादा बोलोगी ना तो मारने लगूंगा यही। पुक्की कहीं गया, छू के दिखा कर तेरे अंदर इतनी ताकत है तो, छू छू मुझे छू। मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, समझी? चिंकी मिंकी पिंकी टिंकी, तुमने मेरा गलत नाम कैसे लिया? ये देख, मैं तेरा घर गिरा दूंगी, पूरा घर गिरा दूंगी। ये देख, पूरा घर गिरा दूंगी। अब बोल, अब क्या कर लेगा तुम मेरा? बोल। ये देख, ये भी गिरा दूंगी, ये भी गिरा दूंगी। ये देखो पापा, मैंने इसका घर गिरा दिया। वाह मेरी बिटिया, तुमने बहुत अच्छा किया। ऐसे ही जो भी तुम्हारे साथ बुरा करे उसके साथ भी बुरा करना। अरे घर और बचा, ये भी गिरा देती हूँ। गिर गया, जा जा, जब पुक्की कहीं का तेरा घर पूरा गिरा दिया। लावा पापा, लावा पापा, इसने मेरा पूरा घर गिरा दिया, मैंने बहुत मेहनत से बनाया था। अरे 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 मेरे बच्चे रो मत, अरे मेरे बच्चे रो मत, उस चिंकी को एक झापड़ मार दे, उसके बाद तेरा हिसाब बराबर हो जाएगा। अरे लावा पापा, तेज से मारूं या फिर धीरे से मारूं चिंकी को? जितना तेज तू मार सकता है उतनी तेज से मार दे। अगर छू भी दिया ना मुझे तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी, समझा? तो क्या मुझे मारेगी? मैं तुझे ही मार दिया, ये ले। अब क्या रोती हुई घर भाग जा। आइस पापा, आइस पापा, पुक्की ने मुझे मारा है। अरे वाह, शिकार मेरे जाल में खुद आ गया। अब बस इसे थोड़ा सा मनाना है और किडनैप कर लूंगा। उसके बाद इसकी किडनी निकाल के बेच दूंगा। वहाँ पे एक लड़का और है, ये भी किसी तरह से यहाँ पे आ जाए, उसके बाद मैं इन दोनों बच्चों को किडनैप कर लूंगा और इनकी किडनी निकाल के बेच दूंगा। अमीर हो जाऊंगा मैं। जल्दी से ये बंदूक अंदर रख लेता हूँ, उसके बाद उस लड़की के पास जाता हूँ, उसे बहला फुसला के उस छोटे से बच्चे को भी अपने पास लेके आने को कहता हूँ। उसके बाद इस दोनों को किडनैप कर लूंगा। अरे बच्ची क्या हो गया, क्यों रो रही हो? अरे अंकल, मैंने पक्की का घर तोड़ दिया था इसलिए मुझे मारा है वो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे गाल पे मारा है उसने। अरे बेटा रोना बंद करो, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत रेत वाले घर हैं और बहुत सारी चॉकलेट है, बहुत सारे टॉयज हैं। मेरे घर चलोगी क्या? क्या आपके घर में चॉकलेट और टॉयज और रेत वाले घर हैं? हाँ बेटा, लेकिन मैं अकेले किसी को नहीं ले जाता, दो बच्चे रहते हैं तभी मैं उनको अपने टॉयज और रेत वाले घर से खेलने देता हूँ। ठीक है, मैं पुक्की को लेके आती हूँ। क्या हो गया चिंकी, काहे बुला रही हो मुझे? अरे पुक्की, एक अंकल मिली है जिनके घर पे बहुत सारे टॉयज है, बहुत बड़े बड़े रेत वाला घर है। चलो हम लोग भी उनके घर चल के खेलते हैं। ठीक है चलो चलते हैं, मजा आएगी। चलो आ जाओ पुक्की, चलो चलते हैं, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। ए पुक्की और चिंकी, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों लोग? अरे पापा, वो हम लोग का एक नया दोस्त बना है ना, तो उसके घर पे बहुत सारे टॉयज हैं, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं खेलने, है ना पुक्की? हाँ पापा हाँ, अभी हम लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है जाओ, जल्दी आना। चलो पुक्की चलते हैं, आज तो बहुत मजा आएगी। हाँ आज तो बहुत मजा आएगी। अंकल अंकल, ये देखिए हम लोग आ गए। आओ बेटा आओ, अब मैं चलता हूँ तुम दोनों को लेके अपनी कार में अपने घर, वहीं पे तुम दोनों लोग खेलना। ठीक है अंकल जी, ठीक है, जल्दी चलिए, मुझसे सबर नहीं हो रहा है। अरे बेटा सबर तो मुझे भी नहीं हो रहा है। क्या बोला आपने? अरे कुछ नहीं, जल्दी से यहाँ से कूद जाता हूँ और लेके आता हूँ अपनी गाड़ी, और फिर तुम लोग तैयार हो जाओ मेरी गाड़ी के अंदर चलने के लिए। जल्दी से जाता हूँ, लेके आता हूँ गाड़ी। इन बच्चों की किडनी के मुझे काफी अच्छे पैसे मिल जाएंगे, मैं तुरंत ही अमीर बन जाऊंगा। वाह भाई, मैं तो सोच कहीं एकदम खुश हो जा रहा हूँ। यहाँ पे पीछे का दोनों दरवाजा खुला है, इसी में उन दोनों को कह दूंगा बैठने को, या फिर आगे भी जगह खाली है, आगे ही बैठा लूंगा। जल्दी से लेके चलता हूँ इस गाड़ी को उस घर के पीछे। आगे लेके जाऊंगा तो लावा गॉड और आइस गॉड देख लेंगे इस कार में बैठते हुए। इससे अच्छा यही है कि घर के पीछे खड़ी कर दो और यहीं पे उन लोग को बुला लो। बच्चों आ जाओ, आ जाओ बच्चों। अरे कहाँ चले गए ये बच्चे, इन बच्चों की आखिरी दिन है आज, फिर भी ये लोग इतना दौड़ा रहे हैं मुझे। ए बच्चों चलो चलो चलो, आ जाओ, चलो चलते हैं खेलने, आ जाओ। चलिए चलिए अंकल जी, चलिए जल्दी।
चलिए आज तो मजा आने वाली है अंकल जी। ए पुक्की और चिंकी कहाँ जा रहे हो इसके साथ? अरे लावा पापा यही तो है हमारा नया वाला दोस्त जिसके घर पे रेत के बहुत सारे टॉयज हैं, घर है, बहुत मजा आएगी इसके घर पे खेलने में। ए, तुमने अपना मुंह क्यों ढका है काले कपड़े से? अरे अंकल कल मुझे मधुमक्खी ने काट लिया था मेरे मुंह पे ना, इसीलिए मैंने अपना मुंह ढक के रखा है, बहुत ज्यादा सूज गई है मेरी नाक। ठीक है अच्छा जाओ टाइम से मेरे बच्चों को घर पे छोड़ देना। ठीक है ठीक है अंकल जी ठीक है, आपके बच्चों को एकदम टाइम से छोड़ दूंगा, जल्दी से यहाँ से भाग लेता हूँ वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। जल्दी बैठो पुक्की जल्दी बैठो। चलो पुक्की भी बैठ गया, आप चलते हैं अपने घर पे। चलो बच्चों चलते हैं अपने घर पे। मजा आएगी। हाँ मजा तो आएगी तुम दोनों को, क्योंकि मैंने तुम दोनों को किडनैप कर लिया है। क्या किडनैप कर लिया है? लेकिन तो तुम तो कह रहे थे मेरे घर पे खिलौने हैं, टॉयज है, वहाँ पे खेलेंगे, रेत का घर है ना। वो सब तुम दोनों बच्चों को फंसाने के लिए बोला था मैंने, अब तुम दोनों बच्चों की किडनी निकाल के मैं बेच दूंगा और तुम्हारे पापा सोचते रहेंगे कि वो गए हैं खेलने। अरे अरे पुक्की जल्दी जल्दी चिल्लाओ पापा ताकि आवाज सुन जाए हमारी। लावा पापा लावा पापा लावा पापा बचाओ, इसने हमें किडनैप कर लिया है। आइस पापा आइस पापा आइस पापा आइस पापा बचा लो हमें, इसने हमें किडनैप कर लिया, ये किडनैपर है। अरे फ्रैंकली भैया टीवी में डोरेमोन लगाओ ना। ओ शिनचैन यार इतना बड़ा हो गया अभी भी तू कार्टून देखता है। अरे मैं कहाँ बड़ा हुआ हूँ, अभी तो मैं 5 साल का छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा हूँ। छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा हाथी जैसा हो गया, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा है। अब यार इतना कह रहा है तो भाई लगाना ही पड़ेगा, रुक जा टीवी ऑन कर देता हूँ। चैन से सोना है तो जाग जाइए, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये शहर छोड़ के भाग जाइए, क्योंकि आ गया है शहर में एक नया किडनैपर जो कि बच्चों की किडनी निकाल लेता है और फिर उन्हें बेचता है, उसके बाद उसे पैसे मिलते हैं। तो अगर आपके बच्चे हैं तो उन्हें सावधान कर दीजिए और उन्हें अपने घर के अंदर ही रखिए। यार शिनचैन देखा कोई भी कार्टून नहीं आ रहा, सिर्फ न्यूज आ रही बस, वो भी पता नहीं कौन सा किडनैपर आ गया है। अब भाई यार मुझे तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने, तुम्हें नींद आ रही हो तो तुम भी सो जाओ। अरे हाँ फ्रैंकली भैया मुझे बहुत तेज से नींद आ रही है, जब मैं उठूंगा तब हो सकता है कोई कार्टून आए तब मैं देखूंगा। ठीक है भाई चलो सो जाते हैं दोनों लोग। और भाई साहब यार लॉस सैंटोस में इतना ज्यादा क्राइम बढ़ गया है, देख रहे हो आज ही एक किडनैपर कोई आ गया है। शिनचैन कहाँ हो भाई, जल्दी आओ यार जल्दी आओ, मैं जा रहा हूँ सोने। ठीक है फ्रैंकी भैया मैं भी आ रहा हूँ। अगर तुम मुझसे जल्दी उठ जाना तो कहीं बाहर घूमने मत जाना। ठीक है ठीक है फ्रैंकी भैया मैं नहीं जाऊंगा। चलो यार अब सो ही जाते हैं, बहुत हुआ तमाशा। अरे लावा भाई हाँ आइस भाई यार सुबह से रात हो गई अब तक हमारे बच्चे वापस नहीं आए। हाँ यार आइस भाई मैं भी वही सोच रहा हूँ कहाँ चले गए हैं अपने बच्चे। हाँ यार मुझे नहीं पता कहाँ लेके गया होगा वो, बट यार पूरे शहर पे तो नजर रखी है हमने, कहीं दिखा तो नहीं वो, कहाँ लेके गया होगा मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे लावा भाई चिंता मत करो, हो सकता है थोड़ी देर में आ जाए वो। अरे यार सुबह से रात हो गई है अब कितना वेट करूं, अब तो हमें हल्क और वेनम को बुलाना ही पड़ेगा। हाँ यार आइस भाई तुमने सही कहा, चलो मैं हल्क को बुला लेता हूँ, तुम वेनम को बुला लो, उसके बाद उन दोनों को पूरे शहर में भेज देंगे अपने बच्चों को ढूंढने के लिए। हाँ जी जाजे क्या हो गया? अरे हल्क और वेनम तुम दोनों आ गए, पुक्की और चिंकी को एक आदमी लेके गया था सुबह और अभी तक वो वापस नहीं लेके आया है, वो कह रहा था कि मैं उनके साथ खेलने जा रहा हूँ लेकिन अभी तक वो दोनों वापस नहीं आए हैं। अरे जीजा जी कहीं उस किडनैपर ने तो नहीं उन्हें किडनैप कर लिया? कैसा किडनैपर? किडनैपर आया है क्या कोई शहर में? अरे हाँ जीजा जी हाँ एक किडनैपर आया है जो बच्चों को किडनैप कर लेता है, उसके बाद उनकी किडनी निकाल के बेच देता है। अरे उस आदमी ने काले कलर का कपड़ा पहना था और अपना मुंह भी ढक के रखा था और काले काले कलर की उसकी वैन भी थी जिसमें पुक्की और चिंकी दोनों लोग बैठे और वो लेके चला गया उन्हें। अरे जीजा जी वो किडनैपर भी ऐसा ही है बिल्कुल, वो भी काले कलर के कपड़ा पहनता और अपना मुंह ढके रहता है और एक काली वैन रहती है उसके पास। मुझे तो अब डर लग रहा है चिंकी और पुक्की ठीक होंगे भी या नहीं। ए हल्के बच्चे शुभ शुभ बोल, अगर मेरे पुक्की और चिंकी को कुछ भी हुआ तो मैं पूरा शहर तबाह कर दूंगा। हाँ लावा गौड तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं पूरे शहर में पानी भर दूंगा और तुम पूरे शहर में आग बरसा देना। अरे जीजा जी ठंड रखिए, हम लोग जा रहे हैं आपके पुक्की और चिंकी को ढूंढ के लाएंगे। ए विनमुआ चल चल ढूंढते हैं पुक्की और चिंकी को, पहले गाड़ी दे देते हैं कोई। ए भैया ए भैया ए भैया बहुत ही बेहतरीन मिशन पे जा रहे हैं तो हमको गाड़ी चाहिए आपकी। भैया नहीं दीदी थी, दीदी माफ करिएगा, जा रहे हैं मिशन पे अपने पुक्की और चिंकी को खोजने, तो ये गाड़ी आपकी लेके जा रहे हैं, हो सकता है बच जाए हो सकता है दग जाए। अरे हल्क भैया आराम से चलाओ मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अबे भाई इतनी बड़ी जीभ लिया, इतने बड़े बड़े दांत लिया है, अभी भी डर रहा है। बाक, बाक, बाक।
अरे वो जीप में लॉलीपॉप खाने के लिए यूज करता हूँ समझे। अरे भाई तुम्हारा इस धरती पे होना ही गुनाह है। आंटी जी, आंटी जी सुनिए, इधर आइए। अरे आ जाइए, चलिए हम ही आ जाते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, पुक्की और चिंकी जो छोटे छोटे से बच्चे थे, कहीं देखा है क्या उनको? नहीं, मैंने उन्हें नहीं देखा है। अरे दीदी आपने देखा है क्या? नहीं मुझे भी नहीं पता, कितने गंदे लोग हो तुम। आई 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 आई, मार क्यों डाल रही है? अरे मैं आज ही नहाया था तो मुझे गंदा कह रही थी। ये ले कुचल दूंगा, तुझे भी कुचल दूंगा। चल भाग जा यहाँ से वरना कुचल दूंगा। चल अरे ये तो अपने आप ही हमारी गाड़ी के नीचे आ गए। चलो जाने दो, आगे चलते हैं, देखते हैं। ए भैया ए भैया ए भैया, पुक्की और चिंकी दो छोटे से बच्चे हैं, देखा नहीं, क्या? नहीं मुझे मत कुचल, मुझे मत कुचल, अरे मुझे मत कुचल। अरे यार ये तो एकदम फट्टू इंसान है, चलो आगे चल के देखते हैं। अरे हल्क आगे एक आंटी खड़ी, उनसे पूछो। ए आंटी जी, आंटी जी एक पुक्की छोटा सा बच्चा है, एक चिंकी छोटी सी बच्ची है, उनको देखा है क्या इधर कहीं आसपास? अरे नहीं बेटा मैं तो अंधी हूँ। अरे यार ये तो अंधी है, इनको क्या ही दिखेगा। चलो भाई कहीं और चलते हैं। यहाँ पे कुछ लोग दे भैया, भे भे भैया पुक्की और चिंकी कहीं देखा क्या? ए तू भाग क्यों रहा है रे, तू भाग क्यों रहा है? रुक जा रुक जा रुक जा, इसे लगता है मुझे पता है। रुक जा रुक जा रुक जा, तू भाग क्यों रहा है? रुक रुक अभी तुझे बताता हूँ, तू भाग क्यों रहा है पहले मुझे ये बता। अरे भैया मुझे बहुत जोर से पॉटी आई है, अगर मैं जल्दी से घर नहीं गया तो मैं पैंटी में कर दूंगा। बे यार जा भाई जा, जा भैया जल्दी जाओ और करके आओ। जाने दो यार उसे, यार पूरा शहर खोज लिया, कहीं भी चिंकी और पुक्की का अता पता नहीं है यार, कहाँ जाऊँ ढूंढने, इतना बड़ा लॉस सेंटोस है यार वेनम। चलो अब घर चलते हैं और लावा गॉड से कह देते हैं कि नहीं मिले पुक्की और चिंकी। ठीक है चलो चलते हैं। जीजा जी जीजा जी, जैसे चाय चन्नी से चाय छानी जाती है वैसे ही मैंने पूरा शहर छान डाला, लेकिन कहीं भी चिंकी और पुक्की का कोई अता पता नहीं है, है ना वैनम? बोल यार तू भी। हाँ इस गॉड, कहीं भी नहीं मिले चिंकी और पुक्की, किसी को उनके बारे में नहीं पता है। लावा गॉड सुनो, अब हमारे पास एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता है आइस गॉड जल्दी बताओ? हल्क और वैनम को, दोनों लोग को भेज दो फ्रैंकलिन के घर पे, फ्रैंकलिन ही अब हमारी मदद कर पाएगा। फ्रैंकलिन और शिनचैन दोनों लोग हमारी मदद जरूर करेंगे। तुमने सही कहा, तो हल्क और वैनम तुम दोनों जाओ फ्रैंकलिन के घर पे और उसको पूरी कहानी बता देना कैसे चिंकी और पुक्की किडनैप हो गए, और उसे ये भी बता देना कि हम लोगों ने बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिले, अब हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, तो प्लीज हेल्प करो। ठीक है जीजा जी, हम लोग तुरंत जाते हैं। भैया गाड़िया दे दो, भैया गाड़ी दे दो, बस एक दिन के लिए चाहिए, अगर बची तो वापस दे देंगे, नहीं बची तो भैया भूल जाना। जाओ इंश्योरेंस तो कराया होगा ना? अरे नहीं मेरी कार का इंश्योरेंस नहीं आया। अरे इतना खूबसूरत हूँ मैं तब भी मुझे देख के सब लोग भाग जाते हैं पता नहीं। चलो जल्दी चलते हैं फ्रैंकलिन घर पे। ये देखो मार दिया शॉर्टकट। अरे हल्क भैया थोड़ा धीरे चलो, बहुत डर लग रहा है, पीछे गया फ्रैंकलिन का घर। हाँ यही वाला है फ्रैंकलिन का घर। फ्रैंकलिन कहाँ, तेरे घर में घुस जाऊंगा? अरे यार नहीं घुस पाऊंगा, चलो उतर के ही चलना पड़ेगा। फ्रैंकलिन कहाँ है भाई? यार क्या कर रहा है रात में? रात में तो वैसे सब लोग सोते हैं पर तू नहीं सो रहा होगा मुझे पता है, कहाँ है भाई जल्दी आ जा। अरे यार ये सीढ़ी बकवास बकवास सीढ़ी, चलो यहीं से कूद जाता हूँ उसके बाद फ्रैंकलिन घर पे पहुंच जाऊंगा। ये देखो क्या शॉर्टकट मारा है। अरे फ्रैंकलिन ब्रो कहाँ हो यार, तुम्हें हमारी मदद नहीं हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है भाई। अरे यार ये तो यहाँ पे खर्राटे मार रहा है। अरे फ्रैंकलिन तेरे पैंट में चूहा। अरे कहाँ 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 है चूहा, कहाँ है चूहा? नींद से जगाने की निंजा टेक्निक। अरे यार तुम तो हल्क हो और तुम तो वेनम हो, हमारे घर पे क्यों आए हो? अरे यार पहले चाय नाश्ता पूछो तब बताएं तुम्हें। अरे हल्क यार बताओ इतनी रात में क्यों हमारे घर पे आए हो भाई, क्या दिक्कत हो गई? ये सब तो तुम्हें बाहर खड़े हैं लावा जीजा जी वही बताएंगे। लावा जीजा जी ये कौन है भाई? ओ भाई साहब ये तो लावा गॉड है और आइस गॉड भी है साथ में। फ्रैंकलिन प्लीज हमारी एक छोटी सी हेल्प कर दो। अरे आपको मेरी हेल्प की जरूरत है? ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। पुक्की और चिंकी को एक किडनैपर उठा ले गया है, प्लीज उन्हें बचा लो। कहीं ये वही किडनैपर तो नहीं है जो अपना फेस काले कलर के कपड़े से बांध के और काली वैन से निकलता है किडनैप करने? हाँ ये वही वाला किडनैपर है। अरे भाई साहब ये तो पूरी किडनी उडनी निकाल के बेच देता है बच्चों की। हाँ इसीलिए जल्दी से जाओ और उन्हें ढूंढो। ठीक है हल्क और वेनम भी साथ चलेंगे ना? हाँ हाँ वो लोग भी तुम्हारे साथ जाएंगे, पूरी
सारी हेल्प करेंगे तुम्हारी। ओके फिर ठीक है शिनचैन, रेडी हो जाओ, चलते हैं एक बहुत ही खतरनाक से मिशन पे। सब लोग आ जाओ मेरे पीछे, चलते हैं। मैंने एक बहुत ही मस्त सी गाड़ी मंगा ली है जिसमें सारे लोग आ जाएंगे एक ही बार में। अरे फ्रैंकलिन भैया, हल्क को पीछे बैठाना वरना वो अपनी गाड़ी तोड़ देगा। हाँ भाई हल्क, तू पीछे ही बैठना यार, वरना भैया हमारी गाड़ी तोड़ देगा तो हम तुमसे पैसा ले लेंगे वापस। अरे ठीक है भैया, हम तुम्हारी गाड़ी नहीं तोड़ेंगे, पीछे ही बैठेंगे। जहाँ शिनचैन बैठा वही हम भी बैठ जाते हैं, ज्यादा घबराओ मत। अरे यार चढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, अब जाके सही से बैठ पाया हूँ। चलो चलो भैया। अरे भाई यार हल्क क्या खाता यार, इतना ज्यादा मोटा हो गया, मेरी गाड़ी ही आगे नहीं बढ़ पा रही। भाई साहब तेरी एकदम बॉडी एकदम जैसे मतलब पत्थर की बन गई है। अरे भाई साहब मैं रोज जिम जाता हूँ यार, एक को दिन नागा नहीं करता हूँ, तो मेरी बॉडी तो बनेगी ही ना। तो गाइस यार हम लोग आ गए एयरपोर्ट पे, लेकिन यार यहाँ पे भी कहीं भी नहीं मिले वो चिंकी और पुक्की। पूरा एयरपोर्ट खोज डाला, पूरा हर एक कोना खोज डाला, कहीं भी नहीं मिले यार। हेलो भैया, हेलो हेलो हेलो, आपने चिंकी और पुक्की को कहीं देखा है क्या? नहीं भाई, मेरा तो ब्रेकअप हो गया है, मैंने कुछ नहीं देखा है। अरे यार इसे तो कुछ पता ही नहीं, चलो आगे चल के देखते हैं। आई थिंक इधर कहीं मिल, एक सेकंड, ये क्या है? ये कुछ अंडरग्राउंड पार्किंग है यार, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो गाइस यार अभी मैं आ गया हूँ मेले के पास, यहाँ पे काफी बड़ा बड़ा मेला लगता है और काफी ज्यादा बच्चे आते हैं, तो मे बी यहाँ पे वो किडनैपर आया हो तो हमें वो मिल जाए, या फिर वो चिंकी पिंकी को किडनैप किया हो तो वही मिल जाए। बट यार इतनी देर हो गई खोजते हुए, कहीं भी नहीं मिला। अब भाई कहीं और चल के देखते हैं। तो गाइस यार लॉस सैंटोस पूरा छान मारा, कहीं भी नहीं मिले पुक्की और चिंकी, और ना ही उस किडनैपर का कुछ पता है। अभी हम लोग आ गए हैं दूसरे शहर में, अब देखते हैं यहाँ पे। अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, मुझे काली कलर की वैन दिखी है, चलो चल के देखते हैं कहीं वही वैन तो नहीं है जो वो किडनैपर लेके आया था, एक बार देख लेते हैं बस, उसके बाद तो आगे चलना ही है। गाइस यार ये वैन बिल्कुल वैसी ही लग रही है, अभी हेडलाइट्स ऑन कर देता हूँ एकदम हाई बीम पे, और भाई एकदम वैसी ही है। लेकिन यार अभी कंफर्म नहीं है वही वैन है या फिर कोई और है, लग तो वैसी ही रही है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि लावा गॉड के पास इसकी पिक क्लिक करके भेज देता हूँ, फोटो खींच के लावा गॉड के पास भेज देता हूँ। उसने एकदम सामने से देखा था वैन को, तो उसे पूरा आइडिया होगा कि वैन कौन सी है, उसके बाद वो बताएगा कि भाई यही वैन है या फिर दूसरी वैन है। चलो इस कार की फोटो खींच के लावा गॉड के पास भेज देता हूँ, उसके बाद ही कन्फर्म हो पाएगा। ऑलराइट गाइस, मैंने फ़ोन तो निकाल लिया है, बस कैमरा ऑन कर लूँ, और हो गया कैमरा ऑन। अब यहाँ पे ये एकदम फ्रंट से खींच के भेज देता हूँ और देखते हैं भाई ये वही वैन है या फिर कोई और वैन है। अभी वो कॉल करेगा अगर यही वाली वैन होगी। अरे भाई फ्रैंकलिन, अगर ये वही वैन होगी तो अभी मैं इसका कचूमर बना दूंगा। अरे नहीं भाई हल्क, रुक जाओ, रुको रुको रुको, कॉल आ रहा है, कॉल आ रहा है, देखते हैं किसका कॉल है। हाँ लावा गॉड का है। हाँ लावा गॉड बताओ। अरे फ्रैंकलिन, ये वही वाली वैन है जिसमें चिंकी और पुंकी को वो आदमी लेके गया था। बिल्कुल कन्फर्म है ना भाई? हाँ भाई हाँ बिल्कुल कन्फर्म है। तो गाइस यार वैन का तो पता लग गया है, अगर वैन यहाँ पे खड़ी है तो हो सकता है वो किडनैपर भी यहीं कहीं पे हो। पहले ये आगे का शटर खुला है, यहाँ पे चलते हैं देखते हैं, लेकिन यार अभी चलना सही नहीं होगा क्योंकि अभी रात का टाइम है, अभी सब लोग वहाँ पे तैनात होंगे, और भाई अभी चलेंगे तो हमारे पास ना गन से ना कुछ और हैं, हम लोग वेट करते हैं सुबह होने को। क्यों हल्क, मैंने सही कहा ना? हाँ भाई फ्रैंकलिन, तुमने बिल्कुल सही कहा, इतना दिमाग लाते कहाँ से हो? भाई मैं रोज बादाम खाता हूँ यार, और शिनचैन भी रोज बादाम खाता है। तो सब लोग आ जाओ मेरे साथ और चलते हैं कहीं अच्छी सी जगह पे, छुप जाते हैं और वेट करते हैं सुबह होने का, उसके बाद वेपन्स लेके उन सब की धुलैया कर देंगे। आ रहे हो ना भाई सब लोग? हाँ भाई हाँ हम लोग आ रहे हैं। अरे वैनम भाई तू बहुत देर बाद बोलता है यार। अरे फ्रैंकी भैया वही लेफ्ट साइड में छुप जाओ, वहाँ जगह बहुत बढ़िया है। हाँ शिनचैन तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ से एकदम सामने ही दिखेगा सब कुछ। और भाई तुम लोग जल्दी आ जाओ यार, जल्दी से आ जाओ यहाँ पे, छुप जाओ और सुबह होने का वेट करते हैं, फिर सुबह गन्स लेके भाई धावा बोलेंगे। पंची बना उड़ता फिरूं मस्तका गन में। भाई यार यहाँ पे युद्ध छिड़ने वाला है हल्क, और तुम होगी गाना गा रहे हो यार। अरे यार ये तो सब कुछ मजे में लेता है। तो गाइस यार अभी सुबह हो चुकी है, और भाई सब लोग रेडी हो ना? हाँ भाई हाँ हम रेडी हैं। हाँ फ्रैंकलिन भैया मैं भी रेडी हूँ। हाँ मैं भी रेडी हूँ। ओके तो प्लान ये है कि मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह जाऊँगा वहाँ पे और उनसे पूछूंगा भैया ये किस चीज़ की शॉप है, यहाँ पे क्या मिलता है, और आपको चिंकी और पुक्की के बारे में कुछ पता है क्या? और अगर इस बात पे वो लोग हड़बड़ा गए तो समझ जाना कि चिंकी और पुक्की यहीं पे हैं, और भाई फिर उसके बाद धावा बोल देना है। सब लोग अपनी अपनी गन रेडी रखना। ओके ठीक है, हम लोग रेडी रखेंगे अपनी अपनी गन। ओके गाइस तो अभी टाइम आ गया उनके पास जाने का। एकदम नॉर्मल इंसान की तरह जाऊंगा और पूछूंगा भैया यहाँ पे क्या मिलता है, किस चीज की शॉप है, और यहाँ पे मतलब चिंकी पुक्की है क्या? अगर वो लोग हल्का सा भी हड़बड़ाए
तो भाई समझ जाना कि पक्का दाल में कुछ ना कुछ काला है। हेलो भैया, हेलो भैया, यहाँ पे किस चीज की दुकान है ये? अबे गवार इंसान, तुम्हें इतना भी नहीं पता यहाँ पे चिकन मिलता है, समझा? ओ अच्छा अच्छा, आपको पुक्की और चिंकी के बारे में पता है क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, भाग यहाँ से, भाग। गाइस यार, मैंने इन लोग से बस नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा, पुक्की और चिंकी को जानते हो क्या, और ये लोग भाई मुझे मारने पे आ गए हैं, और मुझे यहाँ से भागना होगा, पक्का भागना होगा भाई, इन लोग को शक ना हो जाए, बस इसीलिए यहाँ से भागना होगा। ओके गाइस, ये लोग चले गए हैं, अब चलते हैं भाई साहब हल्क के पास और वेनम के पास, और उन लोग से सारी बात बताते हैं। अरे हल्क भाई, हल्क भाई, हल्क भाई, यार तुमने देखा ना, तुमने देखा ना, मैंने जैसे पुक्की के बारे में पूछा वो लोग मुझे मारने लगे। अरे हाँ भाई, हाँ मैंने देखा, अब मुझे कन्फर्म है कि वही लोग हैं। हाँ भाई, मुझे भी एकदम कन्फर्म है कि वही लोग हैं किडनैपर। अब सब लोग अपनी अपनी बंदूक तैयार रख लो, अब वक्त आ गया है हमला करने का। ओके तो मैं तो अपनी बंदूक निकाले, तुम लोग भी अपनी अपनी निकाल लो उसकी। आओ भाई यहाँ पे देखो, सब लोग मारने लगे, मार मारो इनको, मारो पहले इनको मारो। अब भाई इन लोग को बचेंगे नहीं, ये लोग बचेंगे नहीं, कन्फर्म बता रहा हूँ। अरे हल्क भाई तू भी मार भाई, उन लोग की चटनी बना दे जल्दी से। अरे फ्रैंकलिन भाई, पहले बोलना था ना उनकी चटनी बनाना, अभी देखो उनकी चटनी बना के रोटी से खा भी जाऊंगा। कहाँ गए, कहाँ गए? तो गाइस तुम लोग यहीं पे रुको, मैं धीरे धीरे अंदर जाता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। और भाई साहब इधर देखो, और यार यहाँ पे तो, ओ भाई साहब वहाँ पे खड़े हैं दो दो वो किडनैप वाले, जिसने वो किडनैप किया था, जिसके बारे में टीवी पे आ रहा था। और भाई यहीं से मारता हूँ, ओ भाई साहब ये लोग गोली मारना स्टार्ट कर दिए हैं। ओ भाई हल्क, हल्क तू मेरी कवर करना, ओके ओके मेरी कवर करना। और भाई यहाँ पे देखो ये खड़ा है, इसको मैं मारता हूँ, इसके पैर पे मार दिया, और ये आ रहा है इसको। और भाई साहब यहाँ पे बहुत खतरनाक खतरनाक गन्स लेके आ रहे हैं भाई, ये लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है भाई। अरे भाई ये देखो मुझे मार रहा था, अब भाई ये लोग बचेंगे नहीं, सच बता रहा हूँ ये लोग बचेंगे नहीं भाई, बहुत मारूंगा इन लोग को, इन लोग की लाश बिछा दूंगा। मारो भाई, हल्क और वेनम भी इन लोग को मार रहे हैं भाई, मज़ा आ जा रही है लड़ाई में। शिनचैन भाई तू भी मार यार, तू भी मार, शिनचैन भी सबको मार रहा है भाई साहब। मैं यहाँ पे थोड़ा आ गया हूँ क्योंकि मुझे एक गोली लग गई है, और भाई मैं सही से चल नहीं पा रहा, और यहाँ पे देख रही मार रहा है, लेकिन मैं अपनी चिंकी और पुक्की को बचा के रहूँगा, और भाई तुम लोग को मार डालूंगा आज, आज कोई भी नहीं बचने वाला है। इधर देखते हैं ये लोग मर चुके हैं, अब आगे चलना है हमें, चलो जल्दी से आगे चलते हैं। शिनचैन जल्दी से आओ, और देखते हैं इधर भी है क्या कोई, यहाँ पे कवर ले लेके देखना पड़ेगा भाई, वरना अगर ये लोग देख लिए हैं तो भाई हम ही लोग को मार डालेंगे थोड़ा सा। ओ भाई साहब कोई दिख तो नहीं रहा है, हम कोई तो नहीं दिख रहा है, चलो चलते हैं आराम से। और भाई यहाँ पे पूरा देख रहे हो कितना पंख पड़ा है। ओ भाई साहब पुक्की और चिंकी वो रहे, वो देखो हाथ ऊपर खड़ के खड़े हैं। ओ भाई साहब यहाँ पे तो पूरा एकदम चिकन वाला वो है, ओ माय गॉड। अरे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, अरे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे पुक्की चिंकी हम लोग आ गए हैं तुम्हें बचाने भाई, अब कोई तुम्हें नहीं मारेगा, चलो खड़े हो जाओ, और चिंकी तुम भी खड़ी हो जाओ। और भाई साहब यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे इतने सारे बच्चों की लाशें बिछी है जिनकी किडनियाँ निकाल ली गई हैं। ओ भाई साहब ऊपर देखो मुर्गा टंगा है, चिकन टंगा है, और ये लोग बाहर से तो चिकन का बिजनेस करते हैं, और अंदर देखो भाई साहब यहाँ पे बच्चों की किडनी निकाल लेते हैं। और भाई साहब ये लोग स्कूल वाले बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, और वहीं से ये लोग किडनैप कर देते हैं, उसके बाद किडनी निकाल लेते हैं। भाई यहाँ पे देख रहे हो कितना सारा इन लोग का पूरा सब मांस है, और भाई साहब यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है भाई। मेरे अंदर एक प्लान है, क्यों ना इनकी पूरी फैक्ट्री में आग लगा दिया जाए, क्या कहते हो हल्क? अरे एकदम बढ़िया आइडिया, इसकी पूरी फैक्ट्री जला के खाक कर दो, तभी इसको समझ में आएगा। हर जगह पेट्रोल बिछा दो, हर जगह पेट्रोल बिछा दो, पूरी फैक्ट्री में आग लगा दो इसकी। तो गाइस इसकी पूरी फैक्ट्री में पहले हम लोग पेट्रोल डालेंगे, उसके बाद भाई बाहर निकल के गोली मारेंगे, और भाई आग लग जाएगी इसकी पूरी फैक्ट्री में, उसके बाद होगा धमाका। हर एक जगह पे ये धमाका करना है हमें, और भाई इसकी पूरी फैक्ट्री को खाक में मिला देना है। आज के बाद कोई भी बच्चा किडनैप नहीं होगा, क्योंकि भाई हमने तो आगे यहाँ पे देखो ये साइंटिस्ट है जो कि सारी किडनी विडनी की रिपोर्ट्स करता है, तू भी इसी में जल के खाक हो जाएगा बेटा, तू भाग जा वरना तू भी इसी में खाक हो जाएगा, सब पूरा सबको एकदम तबाह कर देंगे इसी में आज। तो गाइस बस हो ही गया समझ लो, ऑलमोस्ट हम लोग गेट के पास पहुँच गए हैं, और भाई यहाँ पे गेट आ गया है, बस यहाँ पे थोड़ा सा और पेट्रोल चाहिए, उसके बाद अपना काम हो जाएगा। अब भाई बाहर निकल गए हैं, सब लोग बाहर आ जाओ जल्दी से, हल्क वेनम और चिंकी पुक्की सब लोग बाहर आ जाओ, शिनचैन तुम भी बाहर आ जाओ, और यहीं पे साइड में हो जाते हैं। और भाई साहब यहाँ पे हम मारते हैं गोली, उसके बाद लग जा, हट जा भाई, हट जा हल्क यार, हट जाओ चिंकी, हट जाओ चिंकी, अब यहाँ पे मार देते हैं गोली। और भाई देखो आग लग चुकी है, अब हमें दूर भागना होगा, जल्दी आ जाओ इधर वरना तुम लोग भी दग जाओगे, जल्दी किनारे आ जाओ। और भाई अब इनका धमाका होने वाला है, 3 2 1। All right guys, देख रहे हो भाई पूरी फैक्ट्री तबाह कर दी है हमने इनकी,
और अब दिल को ठंडक मिली। भाई साहब मजा आ गई। तो चिंकी पुक्की तुम लोग एकदम रेडी हो ना घर चलने के लिए? हाँ हाँ हम लोग रेडी हैं। तो गाइस यार आ जाओ, ये रही कार अपनी और इसी में बैठ के चलते हैं वापस से अपने घर। और भाई हल्क तू भाई इस बार आगे बैठ सकता क्योंकि भाई तूने ही दिखाया था वैन। और भाई इस बार अपनी कार टूट भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। और भाई तू सच में आके बैठ गया, चलो कोई बात नहीं। वैन तुम पीछे बैठ जाओ, शिनचैन तुम भी पीछे बैठ जाओ, और कौन है पुक्की तुम मेरे आगे बैठ जाओ। अच्छा चलो पुक्की तुम पीछे बैठ जाओ, शिनचैन तुम मेरे पीछे बैठ जाओ। चलो गाइज सब लोग बैठ गए हैं, अब चलते हैं घर, लावा गॉड को मिलाते हैं उनके बच्चों से और भाई उन लोग की खुशी देखते हैं। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं लॉस सैंटोस और ये देखो सामने ही लावा गॉड दिख रहे हैं। अरे लावा गॉड ये देखो तुम्हारे बच्चों को लेके आ गया, अब तो खुश हो ना? अरे हाँ भाई फ्रैंकलिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों को वापस लाने के लिए। अरे बस 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 हो गया, इतना शुक्रिया नहीं चाहिए, अब अपने बच्चों से भी बातें कर लो। पापा 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 मैं आ गई, पापा 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 मैं आ गई। दोनों लोग कान खोल के सुन लो, आज के बाद अगर किसी के भी साथ गई तो दोनों लोग को मारेंगे। पापा ये लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बच्चों प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर दो।